हेलो फ्रेंड्स, जय बालाजी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काश मेरा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गुजराती स्टाइल खीचू, टेस्टी टेस्टी और सिंपल। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गुजराती फेमस खीचू, जिसे हम मेले में जाते हैं तभी हम ढूंढते हैं कि खीचू कहाँ मिलता है। तो वही हम आज घर पर बनाने वाले हैं। इजी है और सिंपल ही है, बहुत ही सिंपल है बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उसके लिए हमने 2 कटोरी चावल का आटा लिया है, आधी चम्मच हमने जीरा लिया है, स्वाद अनुसार नमक, तो हमने आधी चम्मच लिया है नमक। तो फ्रेंड्स, इसे पापड़ खार भी बोलते हैं और पापड़ खारो भी बोलते हैं, जिससे खीचू सॉफ्ट बनता है। और ये हम गाठिये में भी यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं खीचू बनाना। तो उसके लिए पहले हमें ऑयल घी कुछ ऐड नहीं करना है, पहले हमें पानी ऐड करना है। हमने 2 कटोरी आटा लिया है चावल का, तो हम 5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। 2, 3, 4 और हम 5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, खीचू थोड़ा सॉफ्ट बनता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी कटोरी या कप का नाप सेट कर लीजिए आप। जब ही पानी उबले तभी हमें जीरा ऐड करना है। फ्रेंड्स, हमने 5 हरी मिर्च भी ग्राइंड कर ली थी, हरी मिर्च भी हम ऐड करेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं ऐड कीजिएगा, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ट्राई जरूर से कीजिएगा। पानी उबल रहा है, ये देखिए अच्छे से पानी उबल गया है। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी हम जीरा ऐड करेंगे, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, ये पापड़ खारो बोलते हैं वो ऐड करेंगे, ये जरूर से आपको ऐड करना है। अभी थोड़ा हमें मिक्स करना है। बाद में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बेलन लेना है ऐसा, और हमें इस पे ऑयल लगाना है बेलन पे, ये देखिए ऐसे ऑयल लगाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आटा ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे, और मिक्स करते जाना है हमें। ये देखिए बहुत ही सिंपल है। फ्रेंड्स, खीचू बनके तैयार है, ये देखिए, और इससे आप पापड़ भी बना सकते हो और खीची की सेव भी बना सकते हो फ्रेंड्स। तो ये हमने खाने के लिए बनाया है और इसे हम सर्व अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद हम सर्व करेंगे फ्रेंड्स। तो तभी आपको दिखाएंगे कि इसे वापस से हमें गरम कैसे करना है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल है।
आपको ये बनाना इजीली आप बनाओ और घर पे बच्चों को बड़ों को खिलाओ। तो तैयार है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम थोड़ी देर के बाद सर्व करेंगे। क्लास टीम करते हैं वैसे ही, आपको नीचे पानी, ऊपर स्टैंड और उसके ऊपर खिचू रखना है एक बर्तन में और स्लो फ्लेम पे रखना है, आपका खिचू अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम सर्व करते हैं। एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे थोड़ा सा ठंडा हो गया है इसलिए, बाकी अगर आप जब भी बनाते हो और तभी आप खाते हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। टेस्ट तो अभी भी अच्छा आता है लेकिन सॉफ्ट बहुत ही अच्छा रहता है। इसे भी आप गर्म करोगे तो वैसा ही वापस हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा काम था इसलिए हमने लेट से सर्व किया है इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स तैयार है टेस्टी टेस्टी खिचू, और अभी हम इस पे ऑयल लगाएंगे, मतलब ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल से ही टेस्ट अच्छा आएगा। और थोड़ी सी हम लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, वैसे हमने हरी मिर्च ऐड की है, हरी मिर्च जरूर से ऐड कीजिएगा, सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हमने टेस्ट किया है इसलिए बोल रहे हैं। फोटोज के लिए थोड़ा सा हम धनिया ऐड कर रहे हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप धनिया पानी में भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको आज की गुजराती स्टाइल खिचू पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे और भी टेस्टी और हेल्दी और सिंपल रेसिपी हम आपके लिए लेके आएंगे फ्रेंड्स। आप भी खाइए और आपके फैमिली को भी खिलाइए टेस्टी टेस्टी खिचू, ठंडी में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो मेरे वीडियो पे नए आए हो वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।